नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सब कुछ मंगल। दोस्तों, मैं आज अपने गांव से बागेश्वर की ओर जा रहा हूं। सोचा आपको अपने गांव के हरियाली से ज़रा रूबरू करा दूं। और अभी मैं पहुंचा हूं जस्ट 2600 मील के नीचे। आप देख सकते हैं चारों ओर हरियाली हरियाली है। और यह हमारा प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय कनगाड़ का। यहाँ हमने कक्षा 5वीं तक पढ़ा था। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों, मशहूर से मैंने भी नज़दीक है घास को कहीं कटने लायक। और आप आइए अपना अपना घरों में घास काटने का मोर्चा संभालिए। देखते दोस्तों, इतनी प्यारी घास हो रही है, बहुत ही शानदार हवा चल रही है अभी। और ये चारों ओर हरियाली और ऊपर से चीड़ के पेड़, बड़ा सुंदर विहंगमी दृश्य दिख रहा है। देखिए बहुत ही लाजवाब। ये मैं आपको दिखाता हूँ प्राथमिक विद्यालय कनगाड़ का, जहाँ हमने 5वीं तक पढ़ रखा था। ये जूम करके दिखाता हूँ आपको मैं अभी। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार, ज्यों का त्यों अभी भी वैसी है। एक दो कमरे नए बने हैं, बाकी वही पुरानी बिल्डिंग बनी है जिसमें हम जैसे कितने बच्चों ने पढ़ करके अपना अपना आज दिनचर्या यापन कर रहे हैं, जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी को। दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ 2600 मील की चढ़ाई पर। गधेरे से ऊपर का दृश्य है ये। ये देख सकते हैं चारों ओर हरियाली, बहुत ही शानदार, क्या घास हो रही है। गांव की याद आ जाती, पूरा हरा भरा दृश्य ये, जैसे कि हरेला हो रहा है। इतनी प्यारी घास हो रही है, जिसके जानवर हैं इस घास को खा लेंगे तो, लेकिन मानिए आप, बहुत अच्छी तरह से दूध देंगे वो। एक एक दो दो लीटर दूध देंगे एक टाइम का। ये मेरा बालक भी आया था गांव। हेलो बेटा, हाय। ये भी आज छुट्टी मना के बागेश्वर की ओर मेरे साथ चल रहा है। और इसकी भी नहीं बोला, मैं भी आता हूँ कल घर करके। मैंने कहा चलो, अब ये थक चुका है यहाँ पर, लेकिन अभी भी हार नहीं मानी इसने। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। इसको उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बताएगा कि बेटा चलते रहो, धीरे तुम बड़े चलो, धीरे तुम बड़े चलो। ये चढ़ाई है, अभी एक चढ़ाई हमने करनी है। ये टॉप 300 मीटर और रह गया है यहाँ से। ये 2600 मील विश्राम गुड़ा दिख रहा है। और यहाँ पहुँचते ही हमको बागेश्वर के लिए बस मिल जाएगी और हम अपने शहर बागेश्वर में पहुँच जाएंगे। तो जितने भी हमारे मित्र बंधु भाई बहन देख रहे हैं, आप एक महीने बाद, अशोक का महीना लगता है, भादो लगता है 16 तारीख से, और उसके बाद अशोज में ये कटान शुरू हो जाएगा। तो इसलिए पहले से तैयारी कर लें, इतना घास हो चुका है, तब तक का ये 1 फीट और बढ़ जाएगा एक महीने के अंदर, क्योंकि बारिश हो रही है और मौसम सही रहा तो अशोज से कटिंग स्टार्ट हो जाती है पहाड़ों में। तो आप लोग आइएगा, घर पहुँचिए अपने और अपने घर वालों की मदद करें। अशोक का महीना भी, ये भी एक प्रकार से युद्ध मानिए इसको। आदमी को खाने की फुर्सत नहीं होती है। बारिश आ गई, घास उठाओ, धूप आ गई, घास बाहर डालो, फिर बारिश आ गई, फिर समेरो उसको, फिर समेर के ढक ढुक के रख दो, तो आधा दिन तो ऐसे बीत जाता है। अगर मौसम ने साथ दिया तो लोग बाग काटने वाले जो हैं घर में, तो वो भी काट ही लेते हैं, एक दो रोटी लगा ही लेते हैं और शोर समाप्त होने तक, अगर मौसम ने साथ दिया तो। ये दोस्तों, यहाँ पहुँच चुके हम टॉप धार में। यहाँ से आपको कराशी भुंगा के दर्शन कराते हैं। ये कराशी भुंगा का गांव है, यहाँ सारे बिस्टू लोग रहते हैं
और इधर कुछ दो चार परिवार हमारे मित्र जोशी लोगों के मकान हैं, इसमें से भी कुछ लोग अभी पहाड़ में यहाँ है नहीं, सब हल्द्वानी शहर में इधर अन्यत्र बस चुके हैं। नीचे हमारे शेखर जोशी जी का घर है, भाई साहब रहते हैं, इनकी ईजा रहती है। और ये देखिए मज़ेदार मैन शेड फैक्ट्री, बहुत ही शानदार। ये बारिश का मौसम है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और ये रोड हमारी करासगढ़ को गई यहाँ से। ये डमढौधार में पूरन सिंह का घर है ये। और अब आपको आगे दिखाता हूँ मैं। अब हम पहुँच चुके हैं, वैसे ज़्यादा नहीं है, अब करीबन 120 मीटर होगा मुश्किल से रोड में। ये एक चढ़ाई और है, बस ये चढ़ाई कंप्लीट हम पहुंच जाएंगे रोड में। हल्की हल्की बारिश हो रही है और जहां तक नज़र पहुंच रही है पूरा बादल ने आसमान को अपनी ओर अपनी घेर रखा है। देखिए ये मौसम का हाल है इधर। वो ऊपर पालेड़ सेना की तरफ पूरा बादलों ने अपने आगोश में ले रखा गांव को। अब आपको हम दिखाते हैं छब्बीसवें मील पहुंच करके आगे का हाल। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं 26वें मील में और यह है रोड के हाल। मेन हाईवे में पहुंच चुके हैं हम। यह बहुत ही साफ, हल्की हल्की बारिश और ये हमारा जाना माना विश्राम ग्रह 26वां मील बैंड आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो दोस्तों हमारा सफ़र यहीं तक था, यहाँ से अब हम बस में बैठेंगे और आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, आप असोज में ज़रूर आइएगा। धन्यवाद।